हे गाइस, माय नेम इज शिवंत शाह। आप देख रहे हो किलर ओपी चैनल को। ये कॉस्मिक बाइट का हेडफोन है, मैंने लगभग 1 साल पहले लिया था। और जिस दिन मैंने लिया उसके 1 हफ्ते बाद मैंने इसके एक वीडियो भी डाला, उस पर अनफॉर्चुनेटली कोई व्यू नहीं आया। कोई बात नहीं, तो देखते हैं इस पर क्या होता है। तो मेरा काम है वीडियो देना आप लोगों को, अगर कोई देखेगा तो भाई उसके लिए। कि इसके साथ मेरा ये लगभग 1 साल का जर्नी कैसा था। मैं रेगुलर बेसिस पे ये म्यूज़िक के लिए भी और गेम के लिए भी यूज़ करता हूँ। मेरे पास बोट का, और बोट का 900 समथिंग बोट बेस है, वायर बेस है 900 समथिंग, और एक TWS है हॉप अप का। तो मैं उनके साथ इसको जज करूँगा ये उधर खारा उतरते हैं कि नहीं। ठीक है, ये कॉस्मिक बाइट का गेमिंग हेडसेट H1, ये इधर लिखा हुआ है। देखो इसका बॉक्स, देखो गाइस पहले कितना प्रीमियम बॉक्स है। एकदम लगता वायदा भाई, ये मैंने 790 पे लिया। ठीक है, मैं अंडर 1000 के हिसाब से इसको जज करूँगा। इसका 3.5 mm ऑडियो जैक गोल्ड प्लेटेड है। सॉफ्ट ईयर कप्स, बहुत सॉफ्ट है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट। एडजस्टेबल हैंड बैंड, एडजस्टेबल मतलब फोल्डिंग हो सकता है। ब्रेडिट केबल, मतलब इसका ब्रेडिट केबल जो होता है वो मैं जब निकलूँगा तब दिखाऊँगा आपको। HD ऑडियो क्वालिटी, HD क्या भाई, अल्ट्रा HD आता है गेमिंग पे। ये रहा QR कोड वगैरह वगैरह। इधर कुछ ड्राइवर लिखा है, 40 mm ड्राइवर है। ठीक है, 40 mm ड्राइवर है। तो ओपन करता हूँ मैं ये बॉक्स को। बॉक्स के अंदर कुछ बचा नहीं है, इसमें ओपन करता हूँ। ये निकल जा निकल जा निकल जा, निकल गया। ये भी निकल गया है बॉक्स से। इसका वारंटी कार्ड इधर ही कहीं होगा, ये वारंटी कार्ड रहता है। हाँ, यही वारंटी कार्ड है। तो ये देखने की, ये अपना काम की बात नहीं है। इसका जो कंडीशन है, मैं लगभग गाइस 1 साल के आसपास यूज़ कर रहा हूँ और रेगुलरली यूज़ करता हूँ। रेगुलर मैं गेम खेलता हूँ इसको लेके, गाना वाना सुनता हूँ इसको लेके। ठीक है, हर चीज़ मतलब एक बार पहनूँ तो मैं उतरता नहीं हूँ। सो ये रहा जो केबल बोला था ना, ये रहा केबल क्वालिटी। इसका जो वायर क्वालिटी है गज़ब, एकदम गज़ब। और ये रहा ये मतलब इस पे से साउंड ये होता है, और ये आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हो इधर से ही। आपको फ़ोन पे जाके म्यूट करना नहीं पड़ेगा, अगर कॉल पे हो तो सीधा इधर से ही ये हो जाएगा। और ये है माइक इसका। ये जो माइक का बहुत एक ख़ास बात है, ये पूरा फुल लेवल माइक है, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। इसका जो क्वालिटी है ना भाई, एक नंबर, मतलब एक नंबर। मैं 1 साल से, और इसका हेडफोन का क्वालिटी देखो, मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी जगह पे छाले वाले कुछ नहीं हुआ। और इस बात पे हैट्स ऑफ, इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ना, कंपनी को हैट्स ऑफ है। और मैं बोट का एक हेडफोन यूज़ करता था, अभी भी करता हूँ, 900 करके। उसके अंदर 2 से 3 महीने के अंदर ये जो कप्स का छाले उतर गया था। ठीक है, वो पूरा एकदम नंगा हो गया था। और ये मैं राफ यूज़ करता हूँ, मतलब गर्मी पे मेरा कान इतना पसीना पसीना हो जाता है ना, तब भी ये चलता है। और ये शायद वाटर रेसिस्टेंट भी है, स्वेट प्रूफ है शायद, मुझे उतना ब्रीफली नहीं पता है। इसका साउंड भाई, अगर मैं 100 के, सॉरी 100 क्या बोल रहा हूँ, 1000 के हिसाब से जज कर रहा हूँ, अगर 1000 के अंदर इस ये मिलता है ना आपको, मैं ले लो, मैं इस 1300-1400 का बोट का हेडफोन यूज़ करा हूँ, मतलब यूज़ किया हूँ। सो एज ए गेमर, ये गेमिंग के अंदर वो सब हेडफोन से बहुत ज़्यादा ही अच्छा चलता है। तो ये आपको मतलब वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से बात करता हूँ। ठीक है, एक तो आप अगर नॉर्मल यूजर्स करते हो, गेम खेलते हो, थोड़ा बहुत म्यूज़िक का उतना शौक नहीं है सुनने का, म्यूज़िक किधर क्या बज रहा है, किधर क्या गिर रहा है, सब कुछ सुनाई देता है। ठीक है, इस पर ऐसा नहीं कि मतलब म्यूज़िक एकदम घटिया आता है सिर्फ गेमिंग,
मैं इधर भाई OTT के OTT स्ट्रीम करता हूँ, हॉटस्टार, अमेजन प्राइम, वो सब सब पे कंटेंट देखता हूँ ये पहन के। ज़्यादातर मैं ये पहन के ही देखता हूँ। मेरे पास एयरपॉड्स भी है, पर एयरबड्स, सॉरी एयरपॉड्स नहीं, उतना अमीर नहीं हूँ, एयरबड्स है पर मैं यूज़ नहीं करता वो, मतलब जब मैं आउटसाइड जाता हूँ तब यूज़ करता हूँ। और जो बोट के साथ मेरा नाता, और 900 के साथ मेरा नाता बिगड़ गया कुछ दिनों पहले ही, क्योंकि उस पर अभी कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ मैं। ये जो ईयर कप्स है ना, आपका पूरा कान ढक देगा और आपको फील नहीं होगा कि आप हेडफोन यूज़ कर रहे हो। भाई बहुत लोगों का मैंने मल्टीपल रिव्यू देखा कि ये बहुत भारी है, ये ऐसा है। भाई मैं एकदम सीधा बोल रहा हूँ, मैं यूज़ करता हूँ, मुझे नहीं फील होता है कि भारी है। मैं रात भर सो जाता हूँ, सुबह उठ के ये इसको हटाता हूँ, मेरे कान पे एक मतलब कुछ भी नहीं होता। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि रात को पहन के सो जाओ, कभी कभी मेरे से गलती से हो जाता है, पर मुझे कोई मेजर दिक्कत नहीं हुआ कभी भी। मैं एक दिन उठा, एक दिन ईयर पेन हुआ था, पर मेरे कान पे प्रेशर हुआ था इसीलिए। पर इसके बाद 50 से 60 दिन मैं ऐसे ही सो गया था पहन के, तो कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं किसी और का गारंटी नहीं ले सकता हूँ। सो गाइस, कंक्लूशन, अगर आप परचेस कर सकते हो इसको, 1,000 के हिसाब से जज किया मैंने, ठीक है, 1,000 अगर आपका बजट है तो भाई गो फॉर इट। इसके लिए ये कॉस्मिक बाइट भाई बहुत सही में बहुत अच्छा ब्रांड है, और इनके जो प्रोडक्ट का जो क्या बोलते हैं इसका, अब वारंटी क्लेम वेम करेंगे करेंगे ना, तो कॉल करेंगे, मतलब रिप्लाई बहुत जल्दी आ जाता है। एज ए मैंने बोट हॉपअप से बात किया उनके कंपनी के साथ, उनका उतना सही से रिप्लाई नहीं आता है, और वो मतलब बिगड़े हुए क्वेश्चन करता है इनका। भाई मैंने कस्टमर केयर से बात की, वो लोग मतलब बहुत अच्छे, मेरे साथ एकदम पोलाइटली बात किया, तो मुझे काफ़ी सही लगा। और ये ब्रांड भी भाई अच्छा ही लगा, मैं एकदम बोट लवर था, अभी भी बोट लवर हूँ। बोट का भाई, जो मेरा फर्स्ट बोट का हेडफोन लिया था मैंने, बोट 225, वो अभी भी अनबीटेबल है मेरे हिसाब से, अभी भी अनबीटेबल है इन एवरी एवरी कंडीशन, वो अभी भी अनबीटेबल है। बट मैं इस पे शिफ्ट हुआ, पर मुझे लगता है इस प्राइस के अंदर गेमिंग और ओवरऑल एक परफॉर्मेंस के हिसाब से इसको कोई बीट नहीं कर सकता। और गाइस ये स्टील है, ठीक है, बहुत लोगों को लगता है इधर स्टील है तो थोड़ा दुखेगा, ऐसा कुछ नहीं, इधर प्लास्टिक का कवर दे दिया इधर, ये आपको फील भी नहीं होगा, इधर स्टील है। सो गाइस बाय, अगर इधर तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।